नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। कितना आसान लगता होगा ना सुनने में कि किसी की पत्नी की बड़ी बेरहमी से उस पति ने हत्या कर दी, या फिर उस आशिक ने अपनी प्रेमिका की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी, उसके शव के टुकड़े कर दिए, नहर में फेंक दिया, जंगलों में फेंक दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, सुनने में हम ये चीज़ें सुन ज़रूर लेते हैं, लेकिन जब भी उस मंजर के बारे में हम सोचते हैं तो आप यकीन मानिए अंदर तक किसी भी इंसान की रूह कांप जाती है। आपको दिल्ली वाला हत्याकांड याद होगा, श्रद्धा, किस तरीके से आफताब ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा की बड़ी बेरहमी से हत्या की, उसके शव के 35 टुकड़े किए और दिल्ली के जंगलों में फेंक डाला। हालांकि वो जो यानी कि पूरा का पूरा मामला था, आपने सुना भी, आपने समझा भी, लेकिन उससे भी बड़ा मामला अब सुनने को आ रहा है और वो मामला है हमारे देश के ही झारखंड का मामला, झारखंड के साहिबगंज का मामला, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी की पहले तो गला रेत कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी, जिसमें उसके परिवार वालों ने भी उसका पूरा पूरा साथ दिया और उसके बाद अपनी ही पत्नी के शव के 50 टुकड़े कर डाले। उन टुकड़ों का आखिर उस पति ने क्या किया? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अपनी पत्नी को ही बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार 50 टुकड़े करने के बाद उस शव के टुकड़ों को कुछ उसने अपने घर में छुपाया, कुछ मोहल्ले की ही सुनसान जगहों पर छुपाया और किस तरीके से शव को ठिकाने लगाने का प्रयास किया। लेकिन इस मामले का आखिर खुलासा कैसे हुआ? दरअसल इस मामले का खुलासा तब होता है जब मोहल्ले के कुत्ते इंसानी मांस को नोच नोच कर खा रहे होते हैं और जब आसपास के लोगों को शक होता है कि आखिर इंसानी मांस कूड़े के ढेर में सुनसान जगह पर कैसे आया, कैसे पहुंचा, तो मोहल्ले वालों को जब शक हुआ तब उन्होंने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, वो पति बहुत ज़्यादा शातिर था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद ना सिर्फ अपने परिवार के सामने कहानी रची, उसने ये कहानी रची कि मेरी पत्नी अचानक से गायब हो गई, मेरी पत्नी अचानक से लापता हो गई और मेरी पत्नी को ढूंढने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि पुलिस में भी मिसिंग की शिकायत दर्ज करवाई, मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाई, ताकि पुलिस उसकी पत्नी को ढूंढने में लग जाए और उस पति पर शक की सुई ना आए। लेकिन पुलिस है और पुलिस तो अपना काम बड़े ही यानी कि मेहनत से करती ही है, और ऐसे में जब सख्ती से उस पति से पूछताछ होती है तब जाकर पूरे मामले का खुलासा होता है। लेकिन सबसे पहले कौन थे ये पति पत्नी, क्या रिश्ता था इनका पहले, शादी से पहले और शादी के बाद? तो इस बारे में मैं आपको बता दूं कि 22 साल की थी रिबिका पहाड़िया, जो कि पहाड़िया जनजाति से संबंध रखती थी, और ऐसे में जो 25 साल का इसमें पति है जिसका नाम दिलदार अंसारी है, जो कि 25 साल का है, जो कि मुस्लिम है, और ऐसे में पेशे से वो कबाड़ी था, जो कि परिवार वालों का कहना है। और ऐसे में परिवार वालों ने बताया, जो रिबिका पहाड़िया के परिवार वाले हैं, उसकी बहन ने, उसके माता पिता ने इस पूरे मामले के खुलासा होने के बाद ये जानकारी दी कि 2 साल से दोनों, रिबिका और दिलदार, दोनों आपस में रिलेशनशिप में थे, लव रिलेशनशिप में थे, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और ऐसे में लगभग 1 महीना पहले ही वो दोनों घर से भाग जाते हैं, पुलिस थाने पहुंच जाते हैं और पुलिस उन दोनों की वहां पर शादी करवा देती है। हालांकि परिवार वाले इस पूरे रिश्ते के विरोध में थे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी रिबिका, उस बहन की जो बहन थी बड़ी रिबिका, वो शादी करे दिलदार से। लेकिन ऐसे में परिवार के विरोध करते हुए भी और परिवार वालों के खिलाफ जाकर रिबिका ने दिलदार से शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद ही बहुत सारे झगड़े होने लगे। हालांकि दिलदार की मैं बताना चाहूँगी, ये कोई पहली शादी नहीं थी, इससे पहले भी उसकी एक शादी हो चुकी थी और जो पहली पत्नी थी वो भी साथ में ही रहा करती थी, लेकिन उससे भी काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते थे। और ऐसे में जब रिबिका की शादी हुई, उसके बाद दिलदार और रिबिका के बीच में भी झगड़े रहने शुरू हुए, 1 महीने में काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुए, और उसके बाद परिवार वालों ने और दिलदार ने दबाव बनाया धर्म परिवर्तन का। वो चाहते थे कि रिबिका अपना धर्म परिवर्तित कर ले, हमारे धर्म में आ जाए, लेकिन रिबिका ने जब आनाकानी की, उसने धर्म परिवर्तन से साफ तौर पर मना कर दिया,
तब लड़ाइयों के बाद, खूब लड़ाइयों के बाद उसकी गला रेत कर उसकी हत्या कर दी जाती है। शव के टुकड़ों को सुनसान जगह पर फेंक दिया जाता है जिसे कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे, और तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा होता है। वहीं झारखंड पुलिस इस बात की गारंटी ज़रूर दे रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी, तो मैं बताना चाहूँगी, हो चुकी है। 9 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिसमें आरोपी पति समेत उसके परिवार वाले, जिसमें उसकी माँ, उसकी बहन, उसका भाई, उसका मामा शामिल हैं, और उन सब ने ही मिलकर रिबिका की हत्या को अंजाम दिया, और ऐसे में वो सब पुलिस की गिरफ्त में है। आज सोमवार है, शनिवार को इस मामले का खुलासा हुआ, आज सोमवार है, कोर्ट में पेश कर उन लोगों का रिमांड लिया जाना है ताकि उन हथियारों को भी बरामद किया जा सके। और अब तक झारखंड पुलिस ने 18 टुकड़ों को बरामद कर लिया, जिसमें सर अब तक बरामद नहीं हुआ, और सर को भी बड़ी बेरहमी से काटा गया था। शव यानी कि जो रिबिका का शव है उसको बड़ी बेरहमी से काटा गया इलेक्ट्रिक कटर से, और गला रेत कर उसकी हत्या कर दी जाती है। इस मामले को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।